ओम श्री परमात्मने नमः। अपने कर्तव्य का निर्णय करने में अपने को असमर्थ पाकर जब अर्जुन व्याकुलता पूर्वक भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव प्रक्षामि त्वाम धर्म समूढचेता यक्ष्रेयः स्यान्निश्चितम् ब्रूहितनुबे शिष्यस्ते अहम् साधि माम त्वाम प्रपन्नम्। कार्पण्य दोषोपह स्वभावः, कायरतापूर्ण दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला और धर्म सम्मूढचेता, धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला मैं त्वाम आपसे प्रक्षामि पूछता हूं, यत जो निश्चितम निश्चय, श्रेय कल्याण करने वाली, स्यात हो तत वह मैं मेरे लिए, ब्रूहि कहिए अहम मैं, ते आपका शिष्य शिष्य हूं, त्वाम आपके प्रपन्नम शरण हुए माम मुझे साधी शिक्षा दीजिए। अर्थात कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव प्रक्षामि त्वाम सम धर्म सम्मूढचेता, यद्यपि अपने मन में अर्जुन युद्ध से सर्वदा निवृत्त होने को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते थे, तथापि पाप से बचने के लिए उनको युद्ध से उपराम होने के सिवाय दूसरा कोई उपाय भी नहीं दिखता था, इसलिए वे युद्ध से उपराम होना चाहते थे और उपराम होने को गुण ही मानते थे। कायरता रूप दोष नहीं, परंतु भगवान ने अर्जुन की इस उपरति को कायरता और हृदय की तुच्छ दुर्बलता कहा, तो भगवान के उन संदिग्ध वचनों से अर्जुन को ऐसा विचार हुआ कि युद्ध से निवृत्त होना मेरे लिए उचित नहीं है, यह तो एक तरह की कायरता ही है जो मेरे स्वभाव के विरुद्ध है, क्योंकि मेरे छात्र स्वभाव में दीनता और पलायन पीठ दिखाना ये दोनों ही नहीं है। इस तरह भगवान के द्वारा कथित कायरतापूर्ण दोष को अपने में स्वीकार करते हुए अर्जुन भगवान से कहते हैं कि एक तो कायरता रूप दोष के कारण मेरा छात्र स्वभाव एक तरह से दब गया है, दूसरी बात मैं अपनी बुद्धि से धर्म के विषय में कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा हूं, मेरी बुद्धि में ऐसी मूर्ता छा गई है कि धर्म के विषय में मेरी बुद्धि कुछ भी काम नहीं कर रही है, तीसरे इस लोक में तो भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से आज्ञा दे दी थी कि हृदय की तुच्छ दुर्बलता को कायरता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, इससे अर्जुन को धर्म कर्तव्य के विषय में कोई संदेह नहीं रहना चाहिए था, फिर भी संदेह रहने का कारण यह है कि एक तरफ तो युद्ध के कुटुंब का नाश करना, पूज्यजनों को मारना अधर्म दिखता है और दूसरी तरफ युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म दिखता है, इस प्रकार कुटुंबियों को देखते हुए युद्ध नहीं करना चाहिए, छात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध करना चाहिए। इन दो बातों को लेकर अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए, उनकी बुद्धि धर्म का निर्णय करने में कुंठित हो गई। ऐसा होने पर अभी इस समय मेरे लिए खास कर्तव्य क्या है, मेरा धर्म क्या है, इसका निर्णय कराने के लिए वे भगवान से पूछते हैं कि यक्षेयः स्यान्निश्चितम् ब्रूहि तन्मे। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा था कि तू जो कायरता के कारण युद्ध से निवृत्त हो रहा है, तेरा यह आचरण अनार्य जुष्ट है, अर्थात श्रेष्ठ पुरुष ऐसा आचरण नहीं करते, वे तो जिसमें अपना कल्याण हो वही आचरण करते हैं। यह बात सुनकर अर्जुन के मन में आया कि मुझे भी वही करना चाहिए जो श्रेष्ठ पुरुष किया करते हैं। इस प्रकार अर्जुन के मन में कल्याण की इच्छा जागृत हो गई और उसी को लेकर वे भगवान से अपने कल्याण की बात पूछते हैं कि जिससे मेरा निश्चय कल्याण हो जाए, ऐसी बात मेरे लिए कहिए। अर्जुन के हृदय में हलचल होने से और अब यहां
अपने कल्याण की बात पूछने से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य जिस स्थिति में है उसी स्थिति में वह संतोष करता रहता है, तो उसके भीतर अपने असली उद्देश्य की जागृति नहीं होती। वास्तविक उद्देश्य कल्याण की जागृति तभी होती है जब मनुष्य अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट हो जाए, उस स्थिति में न रह सके। शिष्यस्ते अहम्, अपने कल्याण की बात पूछने पर अर्जुन के मन में यह भाव पैदा हुआ कि कल्याण की बात तो गुरु से पूछी जाती है, सारथी से नहीं पूछी जाती। इस बात को लेकर अर्जुन के मन में जो रथीपन का भाव था, जिसके कारण वे भगवान को यह आज्ञा दे रहे थे कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, वो भाव मिट जाता है और अपने कल्याण की बात पूछने के लिए अर्जुन भगवान के शिष्य हो जाते हैं और कहते हैं कि महाराज, मैं आपका शिष्य हूं, शिक्षा लेने का पात्र हूं, आप मेरे कल्याण की बात कहिए। साधे माम त्वाम प्रपन्नम, गुरु तो उपदेश दे देंगे, जिस मार्ग का ज्ञान नहीं है उसका ज्ञान करा देंगे, पूरा प्रकाश दे देंगे, पूरी बात बता देंगे, पर मार्ग पर जो स्वयं शिष्य को ही चलना पड़ेगा, अपना कल्याण तो शिष्य को ही करना पड़ेगा। मैं तो ऐसा नहीं चाहता कि भगवान उपदेश दें और मैं उनका अनुष्ठान करूं, क्योंकि उससे मेरा काम नहीं चलेगा, अतः अपने कल्याण की जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर क्यों न रखूं, गुरु पर ही क्यों छोड़ दूं। जैसे केवल मां के दूध पर ही निर्भर रहने वाला बालक बीमार हो जाए तो उसकी बीमारी दूर करने के लिए औषधि स्वयं मां को खानी पड़ती है, बालक को नहीं। इसी तरह मैं भी सर्वदा गुरु के ही शरण हो जाऊं, गुरु पर ही निर्भर हो जाऊं, तो मेरे कल्याण का पूरा दायित्व तो गुरु पर ही आ जाएगा, स्वयं गुरु को ही मेरा कल्याण करना पड़ेगा। इस भाव से अर्जुन कहते हैं कि मैं आपके शरण हूं, मेरे को शिक्षा दीजिए। यहां अर्जुन त्वाम प्रपन्नम पदों से भगवान के शरण होने की बात तो कहते हैं, पर वास्तव में सर्वदा शरण होने की को चाहते नहीं, और वास्तव में सर्वदा शरण हुए नहीं है। अगर वे सर्वदा शरण हो जाते तो फिर उनके द्वारा साधे माम, मेरे को शिक्षा दीजिए, यह कहना नहीं बनता, क्योंकि सर्वदा शरण होने पर शिष्य का अपना कोई कर्तव्य रहता ही नहीं। दूसरी बात, आगे नवे श्लोक में अर्जुन कहेंगे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, न युद्ध से। अर्जुन की वो बात भी शरणागति के विरुद्ध पड़ती है, कारण कि शरणागत होने के बाद मैं युद्ध करूंगा या नहीं करूंगा, क्या करूंगा और क्या नहीं करूंगा, यह बात रहती ही नहीं, उसको ये पता ही नहीं रहता कि शरण क्या कराएंगे और क्या नहीं कराएंगे। उसका तो यही एक भाव रहता है कि अब शरण को जो कराएंगे वही करूंगा। अर्जुन की इस कमी को दूर करने के लिए ही आगे चलकर भगवान को मामेकम शरणम ब्रज, एक मेरी शरण में आ जा, ऐसा कहना पड़ा। फिर अर्जुन ने भी करस्य वचनम तव, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, ऐसा कहकर पूर्ण शरणागति को स्वीकार किया। इस श्लोक में अर्जुन ने चार बार बात कही, कार्पण्य दोषो धर्म सम्मूर्च्यता यक्षेय श्यान्निश्चितम ब्रूहि तन्वे शिष्यस्ते अहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। इनमें से पहली बात में अर्जुन धर्म के विषय में पूछते हैं, दूसरी बात में अपने कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं, और तीसरी बात में शिष्य बन जाते हैं, और चौथी बात में शरणागत हो जाते हैं। अब इन चारों बातों का विचार किया जाए तो पहली बात में मनुष्य जिससे पूछता है वह कहने में अथवा न कहने में स्वतंत्र होता है, दूसरी में जिससे प्रार्थना करता है उसके लिए कहना कर्तव्य हो जाता है, और तीसरी में जिनका शिष्य बन जाता है उन गुरु पर शिष्य को कल्याण का मार्ग बताने का विशेष दायित्व तो आ जाता है, चौथी में जिसके शरणागत हो जाता है उस शरण्य को शरणागत का उद्धार करना ही पड़ता है, अर्थात उसके उद्धार का उद्योग स्वयं शरण्य को करना पड़ता है। पूर्व श्लोक में अर्जुन भगवान के शरणागत तो हो जाते हैं, पर उनके मन में आता है कि भगवान का तो युद्ध कराने का ही भाव है, पर मैं युद्ध करना
अपने लिए धर्मयुक्त नहीं मानता। उन्होंने जैसे पहले 29 से कहकर युद्ध के लिए आज्ञा दी, ऐसे ही हुए अब भी युद्ध करने के लिए आज्ञा दे देंगे। दूसरी बात, शायद मैं अपने हृदय के भावों को भगवान के सामने पूरी तरह नहीं रख पाया हूं। इन बातों को लेकर अर्जुन आगे के श्लोक में युद्ध करने के पक्ष में अपने हृदय की अवस्था का स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं। नहे प्रपश्यामि ममानो त्याद यक्षो कमोक्षो शरण इंद्रियाणाम अवाप्य भूमावस पत्रमृद्धम राज्यम सुराणाम अपिचाधिपत्यम। हे कारण के भूमो, पृथ्वी पर रिद्धम धन धान्य समृद्धि और असपंतम शत्रु रहित राज्यम राज्य च तथा सुराणाम स्वर्ग में देवताओं का आधिपत्य आधिपत्य अवाप्य मिल जाए अपि तो भी इंद्रियाणाम इंद्रियों को अक्षोषणम सुखाने वाला मम मेरा यत जो शोकम शोक है अपनुद्यात दूर हो जाए नहीं प्रपश्यामि देखता हूं। अर्थात अर्जुन सोचते हैं कि भगवान ऐसा समझते होंगे कि अर्जुन युद्ध करेगा तो उसकी विजय होगी और विजय होने पर उसको राज्य मिल जाएगा जिससे उसके चिंता शोक मिट जाएंगे और संतोष हो जाएगा। परंतु शोक के कारण मेरी ऐसी दशा हो गई है कि विजय होने पर भी मेरा शोक दूर हो जाए ऐसी बात मैं नहीं देखता। अवाप्य भूमावस पत्न मृद्धम राज्यम, अगर मेरे को धन धान्य से संपन्न और निष्कंटक राज्य मिल जाए अर्थात जिस राज्य में प्रजा खूब सुखी हो, प्रजा के पास खूब धन धान्य हो, किसी चीज की कमी ना हो और राज्य में कोई वैरी भी ना हो, ऐसा राज्य मिल जाए तो भी मेरा सुख दूर नहीं हो सकता। सुराणामपि चाधिपत्यम, इस पृथ्वी के तुच्छ भोगों वाले राज्य की तो बात ही क्या, इंद्र का दिव्य भोगों वाला राज्य भी मिल जाए तो भी मेरा शोक जलन चिंता दूर नहीं हो सकती। अर्जुन ने पहले अध्याय में यह बात कही थी कि मैं न विजय चाहता हूं, न राज्य चाहता हूं और न सुख ही चाहता हूं, क्योंकि उस राज्य से क्या लाभ, उन भोगों से क्या लाभ और उस जीने का क्या लाभ जिनके लिए हम राज्य भोग एवं सुख चाहते हैं, वही मरने के लिए सामने खड़े हैं। पहले अध्याय का 32वां-33वां श्लोक, यहां अर्जुन कहते हैं कि पृथ्वी का धन धान्य संपन्न और निष्कंटक राज्य मिल भी जाए, देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी मेरा शोक दूर नहीं हो सकता, मैं उनसे सुखी नहीं हो सकता। वहां पहले अध्याय के 32वें-33वें श्लोक में तो कौटुंबिक ममता की वृत्ति ज्यादा होने से अर्जुन की युद्ध से उपरति हुई, पर यहां उनकी जो उपरति हो रही है वो अपने कल्याण की वृत्ति पैदा होने से हो रही है, अतः वहां की उपरति और यहां की उपरति में बहुत अंतर है। न हे प्रपश्यामि ममा पनुद्याद्य क्षोक मुक्षोषणम मिंद्रियाणाम, जब कुटुंबियों के मरने की आशंका से ही मेरे को इतना शोक हो रहा है तब उनके मरने पर मेरे को कितना शोक होगा। अगर मेरे को राज्य के लिए ही शोक होता तो राज्य के मिलने से मिट जाता, परंतु कुटुंब के नाश की आशंका से होने वाला शोक राज्य के मिलने से कैसे मिटेगा, शोक का मिटना तो दूर रहा प्रत्युत शोक और बढ़ेगा, क्योंकि युद्ध में सब मारे जाएंगे तो मिले हुए राज्य को कौन भोगेगा, वो किसके काम आएगा। अतः पृथ्वी का राज्य और स्वर्ग का आधिपत्य मिलने पर भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा शोक दूर नहीं हो सकता। ओम श्री कृष्णाय नमः। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल घंटी को दबाओ। धन्यवाद।